नमस्ते, मैं हूँ निर्मला। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा बस इतना ही कहना है, बीमारी को दूर भगाओ, 3 स्वच्छ आदतें अपनाओ। आज हम मिलेंगे रश्मि से, जिसकी 3 महीने की बच्ची बीमार पड़ गई है। अरे डॉक्टर ने दीदी, देखिए ना गुड़िया को क्या हो गया, सुबह से रो रही है और इसका पेट भी बहुत खराब है। लगता है इसको दस्त लग गए हैं। हे भगवान, मगर मैं तो घर इतना साफ रखती हूँ, फिर भी अक्सर ऐसे संक्रमण गंदे शौचालयों की वजह से होते हैं। मगर दीदी, मेरे घर में तो शौचालय ही नहीं है। क्या, फिर तुम शौच के लिए कहाँ जाती हो? खुले में। मगर रश्मि, खुले में शौच करने से तो और भी ज्यादा गंदगी फैलती है। पर हम लोगों के यहाँ तो बहुत सी औरतें जाती हैं, और ये आज से नहीं दीदी, बल्कि कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। जरूरी नहीं रश्मि कि जो गलती सदियों से चली आ रही हो, आने वाली पीढ़ी भी उसको दोहराए। अरे खुले में शौच करने से कीटाणु पनपते हैं, जो खाने पीने की चीजों पर या हमारे शरीर पर बैठकर हमें बीमार कर देते हैं। यानी हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए? कभी भी नहीं, बल्कि घर में ही शौचालय बनवाना चाहिए और उसको नियमित रूप से उपयोग में लाना चाहिए। मतलब घर में अगर शौचालय बनवा लिया तो बीमारियां नहीं आएंगी, है ना दीदी? सिर्फ शौचालय बनवाना ही काफी नहीं है रश्मि, बल्कि उसको किसी अच्छे शौचालय कीटाणु नाशक से नियमित रूप से साफ भी रखना होगा। समझ गई दीदी। 6 महीने बाद आइए डॉक्टर नी दीदी। वाह रश्मि, तुमने तो कमाल कर दिया, घर में शौचालय बनवा लिया। मैंने ही नहीं, नीलिमा, मालिनी और रन्नो के घर भी शौचालय बन गया है। अच्छा? हाँ, आपसे सीख के मैंने इनको भी घर में ही शौचालय बनवाने की जरूरत समझाई और सबने मेरी बात मानी। और इन्हें ये भी बताना कि सिर्फ शौचालय बनवाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका नियमित उपयोग भी करना चाहिए और उसको अच्छे कीटाणु नाशक से भी साफ करना चाहिए। ये बातें तो अब हम नहीं भूलेंगे दीदी, मगर मगर क्या? मगर अब कीटाणु हमारे घर का पता जरूर भूल गए हैं। तो बहनों, आप भी मेरे साथ शपथ लीजिए कि मैं घर में ही नियमित रूप से शौचालय जाऊंगी और उसको किसी अच्छे कीटाणु नाशक से साफ भी रखूंगी। स्वच्छ आदत, स्वच्छ भारत, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट डोमिक्स की ओर से जनहित में जारी।